बाय बाय, पापा जा रहे कॉलेज, ठीक है, बाय बाय बाय। हो गया बेटा, मिल गया, वो आपके रखो। आप चलोगे मुझे छोड़ने? चलो आ जाओ फिर, चलो। चलो बाय बाय। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, सेकंड हाफ कॉलेज। मेरी रशी ने मेरे को एक दे दी, पापा कुछ लिख पढ़ लिया करो, एक पेन और नोटबुक और साथ में एडिटिंग बैग ले लिया, क्योंकि एडिटिंग बहुत ज्यादा करनी है और गाड़ी में बैठ कर एडिटिंग करेंगे। थोड़ा सा लेट है, 10 से 11:30 क्लास थी, 9:30 ऑलरेडी हो चुका है, बट ठीक है, कॉलेज में आप लेट हो गए, कोई टेंशन नहीं। भैया बस आगे वाले गेट पर रोक दीजिएगा, ये बस यहीं रोक दीजिए, पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज, बस यहीं रोक दीजिए भैया, इतार दीजिए मेरे को। धन्यवाद भैया। भाई लेट हो गए, निधिराज पांडे के मुंह में घी शक्कर है, किसी के पास घी शक्कर? ये कह रहा है इस सेम में अटेंडेंस नहीं चाहिए, तो अभी क्लास हमारी शुरू नहीं हुई है, क्लास डिले होगी, मुझे पता नहीं था इसलिए बच्चे नहीं आए। ये भी नोटिस निकलवा दो कि बिना पढ़े भी पास करा देंगे। क्लास शुरू होने में आधा घंटा है, थोड़ा सा समय का सदुपयोग करते हैं, अभी बच्चे पूरे नहीं आए तो थोड़ी सी एडिटिंग निपटा देते फटाफट। तुम्हारी क्रिमिनल लॉ की क्लास कंप्लीट हो गई है, यहाँ पीछे अटेंडेंस लगाई जा रही है, आज हमारी सीआर लगा दे, मेरी लगा, वेरी गुड। तो अभी हमारी सेक्शन की जनता चाह रही है चाय पीने और आस्था में लीड कर रही है, और ये भी ब्लॉग कर रही, मैं भी कर रहा हूँ, लाइए लाइए, थैंक यू, उसी में उसी में लगी, उसी में भाई, वहीं ले चलो भाई, ले चलो, चलो ले चलो भाई, बिस्किट है, बिस्किट ला रहा हूँ, ठीक है, बिस्किट खाओगे ना? चलो भाई चलिए, ये कौन सी मार्केट है भैया? ये सोम बाजार मार्केट है, कमला मार्केट के पीछे जो। थैंक यू भैया। खोल दो भाई, क्या चल रहा भाई, मस्ती हो गया तेरे साथ? क्या बुढ़ापा हो गया तेरे साथ, अभी भी नहीं जानोगे तो कैसे जानो? मुझे लगा था चाय बनाएगी। क्यों दीदी, आपका हस्बैंड भी इतना चाय मांगता है क्या? वो तो दिन में 10 बार चाय पीते हैं। अंडे नहीं बनाए बेटा, सब देख। अरे दीदी हमको ठंडा ही मिल जाए भाई, बहुत है, 2 मिनट लगती है, बना बना बना। सुबह 1 घंटा लगा जाने में, 1.5 घंटा आने में और 1 घंटे की क्लास, लेकिन सर ने ऐसा पढ़ाया ना ऋतु, ऐसा पढ़ा के बंद करता कि रोज जाऊँ क्लास उनकी, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। क्रिमिनल लॉ की क्लास थी, ये पढ़ाया कि भाई मर्डर का जब चार्ज लगता है ना, तो उसमें इंटेंशन ऑफ डेथ प्रूफ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, किसने इस इंटेंशन से मारा कि मर ही जाए, कि कल कोई नहीं कह सकता कि भाई मैंने मारा था लेकिन मुझे पता रहा कि वो मर जाएगा, वो प्रूफ बनाता कि भाई इसने ऐसा मारा कि इसको पता था कि ये मर जाएगा। तो उसमें हमने एक केस पढ़ा था जिसमें एक बंदे ने एक बंदे को अंदर बंद कर दिया, वैल ही वो स्लीपिंग, बाहर से बंद कर दिया, कमरे में आग लगा दी, तो उसमें प्रूव होगा कि इसका इंटेंशन नहीं था, कि क्योंकि एक तो सो रहा था, अपना बचाव नहीं कर सकता था, दूसरे की प्रूव हुआ कि जब बाकी लोग बचाने आए ना उसको गेट खोलने के लिए, उनको मारा, तो इंटेंशन वॉज क्लियर कि ही वॉन्टेड टू कॉज हिज डेथ। इन सब चीजों को यूज करके फिर लॉयर्स अपना इंटेंशन वो प्रूव करते हैं कि इसकी इंटेंशन थी। जैसे एक बना एक नॉर्मल आदमी को डर रहता है कि यार मुझसे गलती से मर गया बंदा, हाँ वो प्रूव करना था कि नहीं इसका इंटेंशन नहीं था मारने का। लेकिन एक और केस था कि बहुत लोग कहते हैं कि स्मार्ट है ना लॉ पढ़ के, तो एक ऐसा भी केस आईपीसी में जिसमें इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ना हो लेकिन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी हो, उसको भी आप प्रूव कर सकते हो मर्डर के अंदर। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, बट आपको पता था कि वैसी बॉडीली इंजरी मे कॉज टू डेथ, जैसे डॉक्टर डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है, अब सिर्फ डॉक्टर को ही पता है कि पेशेंट की कमी क्या है, लेकिन अगर दूसरा आदमी को नहीं पता चलेगा तो दूसरा आदमी डॉक्टर बेवकूफ बना सकता है कि यार मैंने इसको ये दवाई नहीं दी क्योंकि मुझे लगा सही नहीं है, लेकिन डॉक्टर को पता है उसकी हिस्ट्री, उसको पता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये मर सकता है, तो वो रिलेशन में हाँ, तो डॉक्टर कह सकता ना कि वो डॉक्टर बाकी लोगों को तो बेवकूफ बना सकता है कि माई इंटेंशन वॉज नॉट टू कॉज डेथ, बट अ लॉयर कैन प्रूव यार इंटेंशन मतलब ना भी हो लेकिन बॉडी इंजरी कॉज की विच कैन लीड टू डेथ। लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट बोला था ये सब मजेदार, और सर भी बहुत अच्छे हमारे। लेकिन सर ने एक और चीज़ कही, तुम्हारा बेयर एक्ट है ना जो नीचे निकल आती है, बेयर एक्ट है ये पढ़ लो, बेयर एक्ट जैसा पार्लियामेंट ने पास किया वैसा कर रहा था, तो वो पढ़ रहे थे हम लोग, सर कहते हैं बेयर एक्ट तुम लोग जितना भी पढ़ लो घर पे, नहीं समझ में आ रहा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, और बिल्कुल सही बात है, बेयर एक्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो ऐसे जैसे सर ने बताया कि जो लिखा हुआ था एक्सेप्ट इन दीज केसेस, तो क्या उनसे केसेस सुन रहा है, बट ये जो है लॉ के लिए आपको एक बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, किताब से पढ़ के नहीं कर सकता, एग्जाम्पल्स के साथ समझ आता है। सिंपल भाषा में लिख दे,
आपको कैसे पता कि मैं घर आके चाय भी पीऊंगा? चाय बना के रखी थी आपने, क्योंकि अंडे चावल पे चाय पीऊंगा। ये कौन सा फंडा हुआ? चलो भाई अब कुछ रियल काम किया जाए, जिंदगी सोने का प्लान था बट बच्चे जो है। कोई नहीं, ये देखो पता कहाँ थी, ये इधर आओ, इधर आओ, यहाँ रखी थी बेड पे। है तुम्हें कैसे पता? ये तो नाक से उंगली निकाल, मामा रशियन छुपाई थी, कहाँ से तुमने छुपाई थी? नाक से उंगली निकाल यार, ये मम्मा पूरे व्लॉग में नाक में उंगली रहती है। इतना बड़ा पोपट हुआ, कल ये मिली नहीं, इतने काम हमारे रह गए, इतने काम रह गए, अब ये मिल गई है। लेकिन हम लोग ने इसकी आज अभी ये बनवा ली डुप्लीकेट, पैसे वेस्ट, 250 रुपये बर्बाद हो गए यार। नहीं नहीं मैं भी जिम जा रहा हूँ, आके लूँगा, ठीक है बाय। अच्छा रुक जा भगले यहाँ से, ठीक है कल जाना, चलो 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 बाय, लव यू। अपने स्कूटर की राइड करने जा रहे हैं, ये गंदा कपड़ा सफाई करने के लिए, हमारी प्यारी स्कूटर। मैं जितना साथ इसने दिया ना, इतना किसी ने नहीं दिया साथ मेरा, और चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ग्रेट सक्सेस हुई जा रही है, हुई जा रही है। फटाक से जाके फोटो कॉपी करा लो, प्रिंट आउट ले आओ, सब्जी ले। अरे चाबी कहाँ गई? अंदर मिट्टी कैसे गुजारी मैं समझ नहीं आता। पेट्रोल है क्या? पेट्रोल भी है, वेरी गुड। अपने आप पेट्रोल भरा लाती है, एक ऐसे खड़ी रहती है। ये टार्जन द वंडर स्कूटर है, इसका पेट्रोल कभी खाली नहीं होता। अभी देखो एक किक में स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अरे कितनी हल्की लग रही है, हार्ले के बाद कितना अजीब लग रहा है इसमें। पहले नहीं हुई, चोक लेनी पड़ेगी क्या? चोक लेते हैं। अबे कितना अजीब लग रहा है यार। अरे भाई बहुत ही अजीब लग रहा है इसमें यार, ऐसा लग रहा है बच्चों की स्कूटर पर बैठ गया, समझ रहे हो? मतलब एक हार्ले चलाई, सही में ऐसा लग रहा है बच्चों की स्कूटी पर बैठ गया हूँ, ऐसे रस्सी के खिलौना खेल रहा हूँ यार। सही में ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊँचा बैठा, क्योंकि जितनी भी मैंने दोनों चलाई ना हार्ले, हार्ले में आप नीचे बैठते हो ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे और हैंडल यहाँ होता है। एक चीज़ मैंने नोटिस की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़ोन का सिग्नल ही नहीं आता अंदर यार, आपको बाहर रोड पे आना पड़ेगा तभी, क्योंकि कल तो मैं ऊबर ही नहीं बुक कर पाया। लेकिन नाउ आई एम थिंकिंग इन्होंने मतलब क्यों किया होगा, क्योंकि अगर सिग्नल आने लगे ना क्लास के अंदर तो कोई बच्चा पढ़ाई ना करे भाई, सारे लोग बस उधर ही व्हाट्सएप इंस्टाग्राम करते रहे। चलो भाई खुल गया सिग्नल, खुल गया, चलो चलो, लेट नहीं करो, लेट नहीं करो। अरे भैया चलो भाई, 150 सेकंड का सिग्नल है ये, ग्रीन में भी पहले जा रहे हैं, हम भी पहले देंगे भाई। 150 सेकंड वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अब सिग्नल होना 150 सेकंड का, लगता है कि भाई कट ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा, अपना ही कटे जा रहा है। वर्कआउट इज कम्प्लीट, काफ़ी सही वर्कआउट, आज मैंने बैक मार निपटा दी। लेग्स मैंने करी नहीं जब से चोट लगी बैक में, मतलब महीना भर हो गया होगा, लेग्स की मसल भूल ही जाएंगे कि हम हैं, फिर वो गाना गाएंगे मेरी बॉडी तू है के नहीं। ले जाओ सुनो, निकल दे दो यार अगर हो तो। मैं इतनी देर से बैठा ऑफिस में, मुझे लगा रशी नहीं आई ऑफिस में, रशी नहीं आया, अब मुझे पता चला रशी की फ्रेंड मारने आई हुई है इसीलिए। हैं रशी पापा को भूल गए?